हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है स्वराज और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले, अगर आपको कोई भी डिजाइनिंग की नॉलेज नहीं है, अगर आपको कोई भी डिजाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, फिर भी आप किस तरह से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर मराठी वेडिंग इन्विटेशन कार्ड बना सकते हो अपने कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करके। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें डिजाइन से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले हमें किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है डिजाइन करने के लिए, और उसके लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर और अलग अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म डू ग्राफिक्स पर मराठी वेडिंग इन्विटेशन कार्ड बनाने वाले। तो चलो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर गूगल पर सर्च कर देना होगा doGraphics.com। जिसे हम doGraphics.com सर्च कर देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर इसके होम स्क्रीन पर आ जाओगे। यहाँ पर होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप प्रोडक्ट पर क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पर आपके आगे अलग अलग डिजाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट खुल के आ जाएंगे। तो अगर आपको और भी कोई डिजाइन से रिलेटेड वर्क करना है तो आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर एक वेडिंग इन्विटेशन के एक प्रोडक्ट दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वेडिंग इन्विटेशन पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपके आगे इस तरह कुछ लॉग इन पेज खुल के आ जाएगा। अगर आपने इसमें साइन अप नहीं किया तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक या कंटिन्यू विद गूगल करके साइन अप कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर एडिटर पेज पर आ जाते हो, तो यहाँ पर आपको अलग अलग वेडिंग इन्विटेशन के टेम्पलेट दिखाई देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है। आप जितना नीचे स्क्रॉल करोगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर टेम्पलेट दिखाई देगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर टेम्पलेट है जो कि मराठी वेडिंग इन्विटेशन की टेम्पलेट है। आप इन टेम्पलेट को आपके डिजाइन के लिए, आपके इन्विटेशन कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करके आपके मनपसंद जो भी आपको टेम्पलेट पसंद आती है वो उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको टेम्पलेट लेनी है उस पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपने जो भी टेम्पलेट यहाँ पर सिलेक्ट कर ली थी वो टेम्पलेट यहाँ पर खुल के आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट को चेंज करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी वर और वधु का नाम होता है, जैसे कि लड़के और लड़की का नाम, वो भी आपको चेंज करना होगा। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर नेम ले लेते हैं मनोज और मोनिका। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप मराठी में ठीक से टाइप नहीं कर पाओगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू टैब ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। गूगल ट्रांसलेट में आपको जो भी नाम लिखना है वो नाम डालना है। जैसे कि हम यहाँ पर डालते हैं सबसे पहले मनोज। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से मनोज को कॉपी कर लेना है और उसके बाद उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मनोज टाइप हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर जो गर्ल है उसका भी नाम चेंज करना है। उसके लिए हम फिर से यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे मोनिका। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर मोनिका टाइप कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर जाके इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर नियम तो चेंज हो चुके हैं। उसके बाद जो यहाँ पर उनके माता पिता का वगैरह नियम होता है वो भी आपको इसी तरह से चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको और टेक्स्ट वगैरह चेंज करने तो वो भी आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। अगर आपको इन टेक्स्ट के कलर चेंज करने हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ एक किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऊपर कलर का ऑप्शन आ जाता है, जो भी उस टेक्स्ट को कलर है उस तरह का कलर यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस तरह का उसे कलर देना है उस तरह का आप कलर दे सकते हो। उसका जो भी शादी की डेट वगैरह है, जो भी मुहूर्त है, जो भी समय वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका लोकेशन है जहाँ पर शादी है तो वो यहाँ पर डाल दीजिए। टेक्स्ट वगैरह डालना है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। आपको जो भी टेक्स्ट यहाँ पर हिंदी में हो गया या मराठी में हो गया वो अगर डालना है तो आप यहाँ से गूगल ट्रांसलेट पर आप ले सकते हो। यहाँ पर आपकी जो भी लैंग्वेज है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मराठी भी लैंग्वेज है, जिस तरह से आप मराठी भी लैंग्वेज ले सकते हो, उसी तरह से आपको जो भी लैंग्वेज और चाहिए वो लैंग्वेज यहाँ पर से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग फॉन्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको अलग फॉन्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और जब आपका वेडिंग इन्विटेशन कार्ड रेडी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसे PNG में डाउनलोड कर लीजिए।
अब आप इसे ओपन कर लीजिए। आप लोग देख सकते हो एक प्रोफेशनल वेडिंग इनविटेशन कार्ड यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आप इसे आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को भेज सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ साथ इसी तरह के और भी डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए और dougraphics.com को अच्छे से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।